कारवां टीवी हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है, आज हम थाना क्षेत्र हाफिजगंज के गांव सनेकपुर में खड़े हैं, जहां पर तशरीफ फरमा है हजरत दूल्हा शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी दरगाह आप सामने देख सकते हैं। नाम तो दूल्हा है ही है, लेकिन दूल्हे की तरह सजा दिया गया है। आज हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि कितनी पुरानी ये दरगाह है और बाबा की क्या क्या करामतें हैं। यहाँ पर बहुत से कमेटी के हजरात मौजूद हैं और कमेटी के लोगों से हम पूछेंगे कि कितने साल पुराना मज़ार है, बाबा यहाँ कितने सालों से तशरीफ़ फरमाए और क्या क्या बाबा की करामतें हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद यासीन अंसारी और बकीर साहब। बकीर साहब, कारवां टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। जानना चाहूँगा कि बाबा के बारे में थोड़ा बताइए, बाबा किस तरीके की शख्सियत थे, बाबा कब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। शख्सियत जो है, जो दूर दराज से 50-50 कोस से लोग आते हैं और अपनी मिन्नतें मांगते हैं, उनकी मिन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए बाबा के दरबार में आते हैं। एक चोर ने आकर नल उखेड़ा और वो वहाँ पर लेटरीन कर रहा और नल छोड़कर भाग गया। और बड़े बड़े मरीज यहाँ से सुधर के जाते हैं, जो कि अस्पतालों से भी सही नहीं हो पाते हैं, लाइलाज हो जाते हैं, मगर बाबा की करामत यह है, यहाँ से जो मिन्नत मांगते हैं तो उनको पूरा काम होता है। ये भी जानना चाहेंगे बकीर साहब कि बाबा का उरस जो है वो कितने दिन तक चलता है। ये उरस जो है 5 दिन 6 दिन तक चलता है। कुल शरीफ हमारी आवाम को, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको बताइए, कुल शरीफ कब है? हफ्ता का कुल शरीफ है। हफ्ता का यही आने वाला हफ्ता। हाँ, यही है। कवालियाँ कब हैं? कवालियाँ आज से शुरू हैं। आज से शुरू कवालियाँ हैं। अच्छा, एक हजरात हमारे अभी करामात के बारे में बता रहे थे कि बाबा की एक करामत है, नल वाली कोई करामत बाबा की बता रहे थे। क्या नाम है बाबा आपका? करामत शाह। करामत शाह, बाबा के बारे में बता रहे थे कि क्या करामत है बाबा के बारे में बताइए। नल चोर आए खेलने तो लाइटरीन कर गए, यहीं छोड़ गए और नल गाड़ गए और चद्दर चढ़ाए गए। अच्छा, हाँ। अच्छा करामत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितनी दूर से लोग जायरीन आते हैं यहाँ पर? अरे यहाँ तो कहूँ कहूँ 60-60 किलोमीटर के आ रहे हैं, 50 के 30 के, चारों ओर गांव के आते हैं। अच्छा, बहुत सही होते हैं। जानना चाहूँगा, यहाँ पर हमारी हिंदू बहनें भी यहाँ पर आई हुई हैं, ये देखिए कैमरे की नज़र से, मैं अपने कैमरा मैन से दिखाना कहूँगा कि हमारी हिंदू बहनों को दिखाएं, जो हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, जो माथा टेकने के लिए आई हैं। इनकी सबको फायदा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई मजहब की दीवार नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और जो अपनी मन की मुराद लेकर आता है यकीनन वो काबिले कबूल होती है यहाँ पर। जानना चाहेंगे कितने दिनों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं? यहाँ तो ये 150 साल पुराना कम से कम दरगाह है। पहले कच्ची थी, फिर बनवाया था इसे, और 59 साल से उर्स कर रहे हैं। इस पर ऐसी धूमधाम से उर्स हो रहा है। बाकी यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनकी सब मुरादें पूरी होती हैं, जो खेलते हैं इसमें हवा का चक्कर होता है। नाम नहीं, मैंने नहीं जाना। मेरा नाम बबलू सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, जैसे कोरोना पीरियड रहा, जब कोरोना पीरियड रहा तो कोरोना पीरियड में हम लोग नहीं कर पाए, कानून व्यवस्था ऐसी थी कि हमें परमिशन नहीं मिल पाया, तो वैसे ही हमने कुल शरीफ कर दिया था यहाँ पे। चंद लोग, मतलब 10-20-50 लोगों के साथ। बताना चाहूँगा कि 2 साल तक यहाँ पर कोरोना पीरियड चलता रहा, जिसकी वजह से 2 साल तक यहाँ पर उर्स पाक नहीं मनाया गया। बस चंद लोगों की मौजूदगी में, 2-1 लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर उर्स पाक मनाया गया, दुआ फातिहा की गई। आज यहाँ पर देख सकते हैं मेला लगा हुआ है। कैमरे की नज़र से मैं चाहूँगा, कैमरे मैन से मैं अपने की मेला दिखाएं यहाँ पर और पब्लिक को दिखाएं। अभी ये स्टार्टिंग है और भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि शनिवार को यहाँ पर कुल शरीफ है। कुल शरीफ में सारा यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा कि क्या क्या यहाँ पर होता है और कुल शरीफ को ही फाता होगी। जब तक आप नज़ारा देखिए कि यहाँ पर मेला और जो जायरीन आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर।
तो अभी आपने देख लिया दूर तक का नज़ारा, दूर यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, टी शर्टें लगी हुई है, आइसक्रीम बिक रही है, जायरीन आए हुए हैं, और मैं भैया एक ना आए हुए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नाम जानना चाहूँगा भैया। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मोहम्मद शफीक, आपका कारवा टीवी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। थैंक यू। मैं यहाँ पर वैसे इस गांव से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, और यहाँ पर मेरा आना जाना बचपन से, रिश्तेदार भी हैं मेरे यहाँ पर, लेकिन इस दर पर आके ऐसी अकीदत हुई, यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए मैं यहाँ पर कई साल से संचालन करता हूँ, यहाँ पर जो चंदा उंदा जो होता है जमा, उसका संचालन मैं ही करता हूँ। और इस बार की बात ये देखो, मैं लुधियाना में था, लेकिन ये सरकार की ये भी इसे करामत कहो या मोहब्बत कहो, कुछ भी कह सकते हैं, कि मैं लुधियाना था और अचानक मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, जिसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, और वो यहाँ आकर एक खुराक में सही हो गई। यानी आपको बाबा का उर्स, बाबा का उर्स में मुझे बाबा को बुलाना था, उन्हें मुझसे खिदमत लेनी थी, तो मैं इसलिए यहाँ पर हाज़िर हूँ, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी मैं खिदमत, मैं रिठौरा का रहने वाला हूँ जी। देखिए रिठौरा से यहाँ पर इनकी मोहब्बत, बाबा की, सैयद दूल्हा शाह बाबा की मोहब्बत यहाँ तक इनको बुला लाई कि रिठौरा से यहाँ चलकर आ गए, बेटी की तबीयत ख़राब हुई और एक खुराक में बाबा के रहमोकरम से ठीक हो गई। हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारी हिंदू बहनें आई हुई हैं, थोड़ा व्यस्त हैं, अभी हम उनसे बात करा रहे हैं कि वो हमारी हिंदू बहनें कहाँ से आई हैं। बहन थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा बहन जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हो? पड़री से। पड़री से आए हो, कब से आ रहे हो यहाँ पर आप? बहुत दिन से आ रहे हैं। कोई मनोकामना आपने मांगी थी? खूब बढ़िया भाई, मनोकामना सही भाई। कभी आपने कभी आप यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नजर आया? नहीं, कोई नजर नहीं आया। अच्छा, तो देख लिया आपने यहाँ पर एक कल्चर है हिंदू मुस्लिम एकता का। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा, कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा, और ये बाबा हमारे, ये प्यारे बाबा हमारे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।